जी बड़ी खबर आज का यही है कि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर एबीपी गंगा की यह सबसे बड़ी कवरेज है। ऐसी कवरेज आज से पहले कभी नहीं, पहली बार इस तरह की कवरेज जब यूपी पंचायत चुनाव की एक एक अपडेट एबीपी गंगा पर दर्शकों को मिलेगी। सबसे बड़ी कवरेज, तैयार हैं हम हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। ये सबसे बड़ी कवरेज है हमारी। जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा इन 53 सीटों पर, उससे जुड़ा हुआ एक एक अपडेट, एक एक बड़ी खबर, विस्तार से जानकारी हम देने वाले हैं। 53 सीटों पर आज वोटिंग के बाद रिजल्ट आने वाला है। 53 सीटों पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय आमने सामने। ज्यादातर जगहों पर बहुजन जो बीजेपी और सपा आमने सामने है, तो कई जगहों पर निर्दलीय जबरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। क्या होगा, क्या पिक्चर होगी, कौन अध्यक्ष बनेगा, इस पर हम लगातार नजर बनाए हुए और एक एक अपडेट आपको देंगे। और अध्यक्ष पद पर सुबह 11 बजे से वोटिंग शुरू होनी है, यानी कि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 2 घंटे से भी कम का वक्त अब जो है बचा है और उसके बाद शुरू हो जाएगा जो है वोटिंग का सिलसिला और फिर काउंटिंग। आस्था जी हाँ बिल्कुल, तो 11 बजे वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर होगी काउंटिंग और तस्वीर साफ हो जाएगी। 53 सीटों के लिए आज जो जंग है वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाएगी। तो जिला पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है, महाकवरेज जारी है और बड़ी खबर के लिए सीधा रुख करेंगे राजीव का। जी आस्था, जो इस वक्त मुझे जो है हमें बड़ी खबर मिल रही है वो उत्तराखंड से। यूपी के साथ साथ नजरें हमारी उत्तराखंड पर भी हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तीरथ के बाद अब कौन बैठेगा सत्ता पर, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको दे देते हैं। दिल्ली से उत्तराखंड जाएंगे 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक, इस वक्त ये बड़ी खबर है। नरेंद्र सिंह तोमर जो की केंद्रीय मंत्री है वो जाएंगे। इस बीच की ये बड़ी खबर, 2 केंद्रीय मंत्री 2 जो पर्यवेक्षक हैं वो जाने वाले हैं। आस्था और सीधे इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, बड़ी खबर ये आ रही है कि केंद्र से 2 पर्यवेक्षक और उत्तराखंड जाने वाले हैं, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए आज अगर बात करें तो 9:50 की फ्लाइट है दिल्ली से, जिसमें अगर बात करें तो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी दीप सुंदरेश्वरी, ये दोनों पर्यवेक्षक के तौर पर देहरादून आ रहे हैं। इनके साथ साथ प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी लखीमपुर खीरी से उत्तर देहरादून आने के लिए निकल गई है, कुछ ही देर में वो भी देहरादून पहुंच जाएंगी। तो ये 4 लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे। 3 बजे से ये बैठक होगी, 7:30 बजे लैंडिंग होगी दुष्यंत गौतम की। इसके अलावा अगर बात करें दीप सुंदरेश्वरी की और इसके साथ जो उनके केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर आए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये तीनों एयरपोर्ट से सीधा बीजापुर स्टेट हाउस जाएंगे, वहां पे कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर 3 बजे से विधायक दल की बैठक शुरू होगी, जिसके बाद फिर नए मुख्यमंत्री को चुनने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और नए मुख्यमंत्री के नाम का फिर ऐलान किया जाएगा देर शाम। जी हाँ, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई हर एक हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। तो सुबह 9:50 पर फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे सभी